बैजनाथ नाम सुना होगा तुमने, बैजनाथ महाराष्ट्र पास का छोटा सा गांव। राम भक्त जगन मित्र परली बैजनाथ में छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहता था। पुलिस का दरोगा उसको धमकी देता था कि घर हटा दे, तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। लोगों ने समझाया कि ये भगवान का भक्त है, किसी का बुरा नहीं चाहता और कम बोलता है, भगवान से बातें करता है और भगवान का स्मरण करते करते भगवान में ही सोता है, भगवान से ही जगता है, इसको न सताओ तो अच्छा है। मेरी लड़की की शादी में बारात आएगी और मेरे घर के सामने इस कंगले का झोपड़ा दिन रात मेरी आंख की ककड़ी बना है। नहीं नहीं आप छोड़ दो। अरे भगवान का भक्त सच्चा है कि पक्का है कैसे पता चले? अगर भगवान का भक्त है तो चमत्कार दिखाए। भगवान को बोले सिंह रूप में भगवान को ले आए अथवा सिंह यहां दिखा दे। राम भक्त जगन मित्र, उसका नाम था जगमित्र, देखा कि कल परसों की बारात और शादी आएगी रातों रात, सत्ता है कहीं मेरी छोटी सी झोपड़ी तुड़वा देगा। जंगल में गए, हे राम आपका भक्त दरोगा से तो क्या लड़ूंगा मैं तो लड़ना भिड़ना नहीं जानता। लेकिन वो बोलता है कि जंगल में जाता है भगवान को बचता तो शेर को ले आवे तो मैं मानूंगा। अब मैं शेर को कहां लेने जाऊंगा? आप सब कुछ कर सकते हो मेरे प्रभु, मेरे राम जी, राम राम राम, शेर को कहां से लाऊं, कैसे आएगा? लेकिन आप तो सृष्टि पैदा कर लेते, परलय भी कर देते, ब्रिकुटी बिलास सृष्टि लाए हो। राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम 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 प्लुत उच्चारण है, इसमें मन भगवान में शांत हो जाता है। जैसे ओ तो अंतरात्मा प्रभु में मन शांत हो, रा कोई अंतरात्मा प्रभु। इतने में एक बड़ा दबंग शेर, प्रभु जी आ गए, जैसे पाला हुआ कोई अपने घर का प्राणी, ऐसे वो शेर उनको लगा, अपना अंगोछा शेर के गले में बांध दिया। चलो प्रभु जी, दरोगा ने बोला है शेर दिखा दे तो आप शेर के रूप में हैं। राम राम मेरे राम, हरे राम राम। विषीले सांप को भी प्यार से उठाते तो वो भी बापू के तरफ देखता है, जहरी सांप। शेर इतना जहरी नहीं होता जितना सांप होता है। राम के प्यार में जगमित्र ने शेर के गले में अंगोछा बांधा, जैसे तुम पाली हुई बकरी को ले जाते, ऐसे उन्हें परकोटे होते द्वार होता था। जगमित्र शेर को पकड़ के ले आ रहा है, दरवाजा बंद कर दिया। प्रभु जी इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब शेर ने मारा पंजा, दरवाजा गिर गया। गए हो दरोगा देखता कि ये जगमित्र और शेर को हाथ में पकड़ के ले आ रहा है, उसको तो तोबा तोबा हो तो घर के अंदर खिड़की से देख रहा है। बड़ा कांपा,
तमंचा वमंचा ऐसे लोगों का फिर काम नहीं देता। थोड़ा बहुत पेंट पेंट गीली हो गई और चरणों में गिर पड़ा, जगन मित्र मुझे माफ कर दो राम जी कि तुम सच्चे भक्त हो, शेर रूप में तुमको तकलीफ दिया छोटी सी झोपड़ी बचाने के लिए, चलो मेरे राम जी चलो। शहर का दरवाजा पार करते हैं, शेर कहां से आए और कहां गए कोई देखने वाला नहीं, ऐसी कथा भी आती। और भी कई प्रसंग याद आते कई, लेकिन बोलने की रुचि नहीं होती। शांत राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा। भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, कितना भी वर्णन करो हरि अनंत है, वर्णन करके आप आखिरी तक नहीं पहुंच सकते।